क्लास टेंथ के लिए बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर टू दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हेनेवर अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी वायर और अ कंडक्टर इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बताया भी था और स्टेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट की वजह से उसने ये पाया कि कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे क्या है जरूरी है, वहां पर क्या जरूरी है, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा. और वहां पर मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो इट मींस वहां पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. तो आज का वीडियो है हमारा, बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. तो चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है बेसिकली बी, बी से दिखाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होगी, कुछ डायरेक्शन होगी. अच्छा चलिए बात करते हैं, मेरे पास दो मैग्नेट है सपोज, ठीक है, दो मैग्नेट है, एक सपोज ये मार्कर और एक मेरा हाथ है, दो मैग्नेट है. दो मैग्नेट को मैं पास लाया, एक बार मैं यहां रखा सपोज, ऐसे देखें, एक बार एक मैग्नेट है ए और एक मैग्नेट है बी, ठीक है, ये बहुत दूर थे, ठीक बहुत दूर थे, और एक बार मैं बिल्कुल पास ले आया, एक बार क्या ले आया, दोनों को बहुत पास ले आया. तो आप देखेंगे कि जब ये बहुत दूर थे, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब ये बहुत दूर थे तो क्या हुआ, ना ये इस पे कोई फोर्स लगा रहा है, ना ये इस पे क्या लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है. लेकिन जैसे ही आप उनको क्या ले आए, पास ले आए, दोनों एक दूसरे के पास ले आए, या एक को उठा के दूसरे के पास ले आए, तो आपने ये फील किया, आपको ये दिखा या आपने महसूस किया कि जैसे ही वो बहुत एक दूसरे क्लोज आए तो एक दूसरे पे क्या लगाने लग गए, फोर्स लगाने लगे, ठीक. तो हमने किया क्या, देखिए जैसे ये मेरे पास एक ए था तो इसका क्या था, एक कोई रीजन है, एक कोई रीजन है, एक कोई एरिया है जिसमें इसका इफेक्ट है, इस ए मैग्नेट का. जब मैं किसी बी मैग्नेट को कहीं से भी उठा के इस रीजन में लाऊंगा, इस रीजन में किसी भी बी दूसरे मैग्नेट को उठा के लाऊंगा, तब जाके कहीं ना कहीं वो बी वाला मैग्नेट ए वाले पे फोर्स लगाएगा या ए वाला मैग्नेट बी वाले पे फोर्स लगाएगा. तो जो ये रीजन है, जो ये रीजन है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का जो एरिया जहां पे उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है, जहां पे कोई अगर कोई दूसरा मैग्नेट रखूं उस एरिया में, तो वो क्या लगाएगा, उस एरिया में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा. तो ऐसे एरिया या ऐसे रीजन को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड अगर को मैं क्या करना चाहूं, डिफाइन करना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग सेम है. देखिए इलेक्ट्रॉन करे या इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, जहां दूसरा चार्ज अगर आएगा तो क्या लगेगा, उसको फोर्स लगाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, वैसे ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन, अगर मैं उस रीजन में किसी कोई दूसरा मैग्नेट ले आऊं तो वो क्या करेगा, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. नाउ लेट मी टॉक अबाउट मैग्नेटिक पोल्स. तो देयर आर टू पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड सेकंड वन इज साउथ पोल. तो किसी मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, ठीक है. नॉर्थ, अगर नॉर्थ और नॉर्थ मतलब लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल हमेशा एक दूसरे को करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. जैसे नॉर्थ नॉर्थ अगर हम पास लाएंगे तो दूसरे को करेंगे, रिपेल, क्योंकि दोनों क्या है, लाइक है, एक जैसे है. अगर नॉर्थ और साउथ को लाओगे तो दोनों एक दूसरे को करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक, ठीक. और इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो ये मैग्नेटिक पोल होंगे वो कभी भी किस में होंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, सिंगल कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है. Now let's talk how you can represent the electric field. तो electric field को हम basically क्या करते हैं, magnetic field को क्या करते हैं, basically represent करते हैं किससे, कुछ curve से represent करते हैं. उस curve को हम बोलते हैं basically lines, या आप कह सकते हैं curve. तो वो curve या वो lines क्या कहलाती है, magnetic field lines कहलाती है, ठीक है. जैसे देखिए कैसे, हम एक bar magnet ले लूं, मैंने क्या लिया, एक bar magnet लिया, ये हो गया north and this is south. तो क्या होगा, कुछ लाइंस क्या करेंगी, उस इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी. तो दैट लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. देखिए वो लाइंस क्या होगी, हमेशा क्या करती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और घूम के कहां आ जाती है, साउथ, ठीक है. क्या करेंगी, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और घूम के कहां आ जाएंगी, साउथ. और अगर अंदर बात करूं तो अंदर क्या आ जाएंगी, फिर साउथ से नॉर्थ आएंगी, अंदर क्या आएंगी, साउथ से नॉर्थ. बाहर जो होंगी कुछ इस डायरेक्शन क्या होगी उनकी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर जो होगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से क्या होगी, नॉर्थ की तरफ. तो
आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है या जो कर्व है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली इस मैग्नेट का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक और चीज, अगर सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है क्या शो करेगा हमें मैग्नेटिक फील्ड की, क्या करेगा डायरेक्शन को क्या करेगा शो करेगा। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक को मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, बेसिक प्रॉपर्टी हो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी, हमेशा क्लोज कर्व होंगी। अगर मैं बात करूं इनकी तो कैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूं, देखो ये मेरे पास क्या था, बार मैग्नेट है, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। तो आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ और एंड कहां होंगे, साउथ, ठीक है, क्या आउटसाइड तो इसके कहां है एंड स्टार्ट होंगे नॉर्थ से और एंड कहां होंगे, साउथ में। देखिए या आप ऐसे बना लें, ठीक, आउटसाइड तो इनकी डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, हमेशा नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड देखिए आप, आउटसाइड द मैग्नेट इनकी जो डायरेक्शन होगी कहां से होगी, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब जैसे इंटीरियर की बात करो, मैग्नेट के अंदर की बात करो, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, हमेशा कहां होगी, वो हमेशा कहां होगी, साउथ से क्या होगी, नॉर्थ। अगर इंटीरियर इनसाइड द मैग्नेट की बात करूं, हमेशा वो कहां से होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो देखिए पहले कहां है, बाहर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, क्लोज कर्व बना रहा है, क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, क्लोज कर्व बना रहा है, जहां पे जो आउटसाइड द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्लोज कर्व। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। बात करूं तो सेकंड प्रॉपर्टीज की, तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सपोज क्वेश्चन आ रहा था कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, तो देखिए सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आए, अब मैं अगर यहां पर टेंजेंट करूं तो टेंजेंट इधर को गया, एक बी इधर की डायरेक्शन हो गया, इधर को टेंजेंट करूं ये भी बी हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही है और उसकी दो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एक ही है उसकी दो डायरेक्शन है, तो ये क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। मतलब आप एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में नहीं जा सकते, अगर मैं आगे हो आ रहा हूं तो एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूं, वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड एक है, ठीक है, जब वो इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, हमें दो टेंजेंट मिलेंगे। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया आपको कि जो टेंजेंट है वो क्या करता है, अगर लाइन में टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो किसकी डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या हो रहा है कि जो बी था, एक ही बी था, वो उसकी क्या होगी, दो डायरेक्शन है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, वैसे ही जैसे आप एक टाइम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, दो डायरेक्शन में नहीं जा सकते। Now the third property is, देखिए जहां पे आप देखेंगे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, these magnetic field lines are very close to each other. आप देख रहे हैं these magnetic field lines are very close. कभी भी अगर lines एक दूसरे बहुत ज्यादा close है तो ये कैसे हो करेगा आपका, strong magnetic. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्या है, पास पास है, वेरी क्लोज टू ईच अदर है, क्राउडेड है, तो वो क्या शो करेगा आपका, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अगर बात करूं इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और ये बहुत क्या आपस में दूर दूर है, फार फ्रॉम ईच अदर, फार फ्रॉम ईच अदर, तो ये क्या शो करेगा आपका, वीक मैग्नेटिक। आप इसको समझ भी सकते हैं, बता सकता हूं कैसे, देखिए
जहां पे क्राउडेड होंगे बहुत पास पास होंगे वो क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करेगा, और जहां पे वेरी फार फ्रॉम ईच अदर होंगे वो क्या करेगा आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। अब ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये गई और अंदर आगे बाहर ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ और यहां साउथ टू नॉर्थ, फिर एक दूसरी लाइन और भी और भी। तो आप देखें जो इनमें जो क्लोजनेस है, तो क्या आप यहां पे देखिए यहां पे क्या है बहुत क्राउडेड है, इस एरिया में देख रहे हैं आप बहुत क्राउडेड है, क्राउडेड है, और यहां क्या है वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, देखिए ना ये तीन लाइन है आपके पास 1 2 3, इन दोनों के बीच डिस्टेंस और यहां पे डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो अगर मैं यहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कंपेयर करूं तो आप देखेंगे कि जो तीनों लाइन है दूसरे बहुत क्लोज है इन कंपेयर टू दिस। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर क्या होगा हमेशा स्ट्रॉन्ग, यहां पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और जबकि यहां पे वेरी फार फ्रॉम ईच अदर है लाइंस, तो यहां पे क्या होगा आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। देखिए जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या होगा मैग्नीट्यूड और कह सकते हैं आप साइज एंड डायरेक्शन इज सेम, मतलब जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उनकी जो डायरेक्शन होगी उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा सेम होगा। जैसे बी से मिलेगा, देखिए यहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लेंथ भी बराबर है सबकी, बीच में गैप भी सबका बराबर है और डायरेक्शन की भी क्या है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो यहां पे जो मैग्नीट्यूड या साइज और डायरेक्शन अगर सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करो तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक यहां है एक यहां है फिर ये दो पास है फिर ये इधर है, तो आप देखिए ना ही इनका क्या है ऐसे भी आ सकता है, तो नो ना ही इनका मैग्नीट्यूड सेम है नॉट सेम और ना ही इनकी डायरेक्शन क्या है सेम, ना ही मैग्नेटिक इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और ना ही इनकी डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या कहूंगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कभी करके क्या पूछा जाता है जैसे आप जो भी कॉपी या वगैरह यूज करते हैं तो क्या एक प्लेन पेपर है, तो प्लेन पेपर में क्या होता है कभी कभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कहां तो है डायरेक्शन उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्शन को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक को हम क्या कर सकते हैं यहां पे गोला कर सकते हैं गोल और एक हम कर सकते हैं क्रॉस, या बेसिकली एक शो कर सकते हैं डॉट से और एक क्रॉस शो कर सकते हैं आप क्रॉस से, ये क्या डॉट है एंड दिस इज क्रॉस। तो अगर कहीं पे डॉट है इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमेशा कहां की तरफ होगी बाहर की तरफ होगी, ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड किसके प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड, मतलब ये प्लेन ऑफ पेपर इस व्हाइट बोर्ड को अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर मान लूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहां होगी बाहर की तरफ, कब जब अगर वहां पे क्या दिया हो डॉट दिया हो। सेम अगर वहीं पे क्रॉस दिया है, क्रॉस देने का मतलब क्या है, क्रॉस देने का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहां होगी अंदर की तरफ, इसको क्या कह सकता हूं मैं, और किसके अंदर और किसके बाहर, जो ये प्लेन ऑफ पेपर है आपके पास टू डायमेंशन तो उसके या तो जब डॉट से दे रखा है तो उसका मतलब उसकी डायरेक्शन कहां हुआ है बाहर को, ठीक है, अगर क्रॉस दे रखा है तो उसका मतलब कहां हुआ है प्लेन पेपर के अंदर की तरफ। तो आज के सिर्फ हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऐसे कर्व जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं, ठीक है, वो क्या होगी हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में एंड होती है, आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट इंटीरियर में क्या होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, तो क्या बनाता है क्लोज कर्व बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या था रीजन अराउंड ए मैग्नेट, जहां पे किसी दूसरे मैग्नेट को लाऊंगा तो क्या लगाएगा उस पर फोर्स लगाएगा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया आपको क्लोज कर्व होता है बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, तो क्या बनाएगा एक क्लोज कर्व बनाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि ये दोनों एक दूसरे क्रॉस
नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेंगे तो क्या होगा, एक ही मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेंगी, जो पॉसिबल नहीं है। थर्ड में हमने बात की थी, अगर जहां पे लाइन बहुत क्राउडेड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और कंपेयर करो जहां पे लाइन बहुत क्या है दूर दूर है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद यूनिफॉर्म की बात की थी, जहां पे मैग्नीट्यूड और साइज सेम होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी, वो क्या शो करेगा आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, क्या शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने बात की डॉट और क्रॉस की, अगर कहीं पे डॉट दे रखा है ठीक है तो उसका मतलब है प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर कहीं पे क्रॉस दे रखा है तो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ को डायरेक्शन होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन हिट कर दीजिए, मेरे चैनल को शेयर करिए।